ए भैया आज हम खेलेंगे यार डार्क टर्टल स्टोरी मोड का चैप्टर 3। ओए क्या तो बात है मन्नस का चैप्टर 3 आ गया क्या? ओ अरे क्या तो बात है बुआ, तुमने तो मौज करवा दी, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा और उसकी करूंगा टक्कर क्या। ओ तो फिर चलो दोस्तों जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर देना। हे भैया देखो यार डार्क टर्टल अंकल कहां सोए यार। ओ अरे वकील में मानना पड़ेगा बुआ, ये अंकल तो बहुत ही पैसे वाले बन चुके और उसने तो अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल भी बना लिया बुआ और वो वहाँ पे धूप सेक रहे हैं ना क्यों क्या। ओ ये क्या मिंडा, ये मछली रानी तो देखो कितनी खतरनाक दिख रही है, उसकी आंखें तो देखो। हाँ भैया उसकी आंखें नहीं है और उसके दांत भी तो देखो ना कितने खतरनाक है, क्यों ना भैया उस मछली को ले जाकर स्विमिंग पूल के अंदर डाल देंगे यार। ओ यार मिंडा आइडिया तो बुरा नहीं है। और चलो दोस्तों ये पुलिस अंकल यहाँ पे क्या कर रहा है, और जल्दी से मिंडा इसको यहाँ से पकड़ता हूँ। अरे हमें बकेट को भी लेना पड़ेगा ना बुआ, बताओ नहीं ये बकेट कहाँ से मिलेगी, मुझे लगता है घर के अंदर होने वाली है। चलो दोस्तों तो फिर देर किस बात की, अरे ये क्या मम्मी तुझे तो यहाँ से की भी मिल गई क्यों क्या। ओए मिंडा ये किसकी चाबी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जल्दी से चाबी को लेकर पीछे की साइड में देखते हैं मिंडा और क्या है। अरे ऊपर क्या बुआ, मुझे तो लगता है वो ऊपर वाले दरवाजे की चाबी हो सकती है, तो फिर चलो ना बुआ जल्दी से ऊपर चढ़ के ऊपर वाले दरवाजे को खोलेंगे और मुझे लगता है आज की बाल्टी हमें वहाँ से ही मिलने वाली है क्यों क्या। तुमने बिल्कुल सही बोला यार, चलो दोस्तों ये वाली लॉक को चाबी की मदद से खोलता हूँ यार, खुल गया भाई आओ। ओ ये देखो ना मुन्ना तुझे यहाँ से तो बाल्टी भी मिल गई। ओ अरे बिल्ली की बच्ची, इसी का तो हमें कब से इंतजार था, तो फिर चलो ना जल्दी से स्विमिंग पूल में जाएंगे, मछली रानी को उठाएंगे और इसकी डक्की डक्की कर देंगे। भाओ मछली रानी यहाँ पे देखो ना, ये देखो भैया ये रहा छोटा सा गटर का पूल, इसके अंदर से भैया मछली को पकड़ के ही हम जाएंगे सीधा स्विमिंग पूल में। ओ मिंडा मगर मछली को पकड़ेंगे कैसे, इतनी खतरनाक मछली आएगी कैसे हमारे जाल में। ओ अरे इसको पकड़ने के लिए बुआ मलवान बब की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, रुको बिल्ला मैं उसको अभी चुटकियों में मेरी जाल में फंसाता हूँ। अरे ये चुनू लोगों की बात नहीं, ये देखो बुआ मलवान बब ने इसकी कैद भी कर दिया क्यों क्या। ओ क्या तो बात है मिंडा, बाप ने तो इसको बाल्टी में भर दिया। ओ चलो दोस्तों जल्दी से हम जाएंगे स्विमिंग पूल में। हाँ भैया वो देखो सा नहीं स्विमिंग पूल के अंदर तो डार्क टर्टल अंकल सो रहे यार। आओ सो नहीं रहे बहु, वो तो धूप सेक रहा है, अरे उसकी धूप अभी मैं खराब करता हूँ, रुक जा जल्दी से मछली रानी को पानी के अंदर डालूंगा। ये मैंने जल्दी से बाल्टी को निकाला और इसको फेंकता हूँ पानी के अंदर क्यों क्या। ओ मिन्ना क्या तो बात है, बाप ने तो कमाल ही कर दिया, धोती भर के रुमाल कर दिया। और ये क्या मिन्ना मछली रानी तो उसके आजू बाजू में घूमने लगी। ए भैया ये अब क्या होगा, और ये क्या भैया पिछोड़े में काट दिए यार। ओ मिन्ना क्या तो बात है, बाप ने तो कमाल ही कर दिया, धोती भर के रुमाल कर दिया। अभी मिन्ना मेरी बारी है और मैं भी डार्क टर्टल अंकल की बैंड बजाता हूँ। और ये क्या करने जा रहा है मिन्ना। हे भैया ये क्या यार, वो तो बार के सामने जा रहा है ना यार। अरे बार के सामने हमें भी जाना पड़ेगा उसको परेशान करने के लिए, मगर ये बार किस साइड में होगा बाबा। अरे वो देखो ना सामने ये राना बार क्या क्या। ओ ये क्या मिन्ना, ये तो जूस पी रहा है, नल्ला कहीं का छोड़ूगा नहीं। हे भैया उसको सबक सिखाने के लिए ही हमें उसका जूस खराब करना पड़ेगा यार। ओ अरे बिल्ली की बच्ची तुम टेंशन कहीं को लेते हो, मलवान बाबू को सब पता है, ये देखो यहाँ पे छोटी सी पदेर को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से तुम्हें लग्जर टी मिलेगा ना, उसको तुम जूस के अंदर डाल के उसकी बयान बजा सकते हो, उसकी पेट में गैस बनेगी और वो जल्दी से टॉयलेट के बाहर भागेंगे क्या। ओ क्या तो बात है मिन्ना, मैंने तो एक चुटकी हमें लग्जर टी को बना लिया। ओ जल्दी से जाता उसकी जूस को खराब करने के लिए, अरे उसकी जूस ये डाला इसको अंदर। अरे अब तो मजा ही आ जाएगा बाबा, जल्दी से भागो, अरे वहाँ पे मत जाओ, अरे डार्क टर्टल अंकल अंदर आ रही कुछ क्या। ओए मिन्ना तो स्विमिंग करते हुए हमारे साइड में आ रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। हे भैया ये आपने किससे पंगा ले लिया यार, ये बहुत ही खतरनाक वाला रोबोट है यार। अरे ये तो केकड़े वाला रोबोट है ना, मगर ये पानी में गिरने से खराब क्यों नहीं हो रहा बल्ला, मुझे कुछ डाल में काला लगता है क्यों क्या। और रुको मिन्ना रुको, वो तो यहाँ से चला गया, और जल्दी से टॉयलेट के अंदर बैठ जाता हूँ। और ये देखो मिन्ना उसने जूस को पी लिया। अरे ये क्या हुआ, उसकी क्लास भी नीचे गिर गई, और ये क्या लगता है उसको जोर से प्रेशर लगी और ये भाग रहा है बुआ सीधे टॉयलेट के अंदर क्यों था। और मगर टॉयलेट में तो हम है ना, और उसको आने ही देंगे बाप। भैया क्या तो बात है यार, ये तो भागने लगा उधर तर, ये क्या भैया ये तो सीधा ऊपर चला गया यार। और मैंने इसको तुमने रॉकेट बना दिया।
रुको रुको भैया, मेरी बारी, मैं लगाऊंगी इस मोटू अंकल के साथ में बोट रेस और जीतूंगा भी देखना भैया, क्योंकि मेरा नाम है बलवान बाबी चोचा। ओए बलवान बाब तो चलने लगा मिन्ना। और ये क्या मिन्ना, उसकी बोट तो देखो कितनी फास्ट जा रही है। और ये अंकल तो पीछे रह गया मिन्ना। अरे ये तो बलवान बाब की बोट तो भैया कैसे पीछे रह सकती है। सुभाष यार तुम बहुत ही अच्छा खेल रहे हो यार, ऐसे खेलते रहो ताकि अंकल हार जाएंगे यार। ओए मिन्ना वैसे देख के तो पता चल रहा है और क्यों आज की गेम तो बलवान बाब जीतेगा। और क्यों ना बाब, मैंने सही बोला ना। अरे बिल्ली की बच्ची, आई एम द बलवान बाब और बलवान बाब है सबसे बड़ा हैकर, और हैकर को भला कौन हरा सकता है। अरे नल्ले कह के मेरे पीछे क्यों आ रहा है, नहीं तो तुम्हारी कर दूंगा ठक्कर की, क्योंकि मेरे पास में गन और गन से तुम्हें उड़ा डालूंगा। हिचके क्या भाव, हमें उठाना नहीं है और यहाँ पे शांति से गेम खेलो। ओए मिन्ना ये तो अच्छा ही खेल रहा है ना। और ये क्या मिन्ना, बम को भी उसने खा लिया। अरे ये देखो मेरी 2.5 किलो की स्पीड भैया, मैं कितने तेज तेज भाग रहा हूँ। ये देखो, ये भी देखो और ये भी देखो। अरे ये क्या नल्ला कहेंगे पीछे का आ रहा, रुक जाना वरना तेरी बैट बजा डालूंगा। अरे ये मैंने लगाई छलांग और सीधा आ गया पानी के अंदर। अरे रुक जा, अरे ये भी मेरी गेम खत्म होने वाली है भैया, तुम देखती जाओ। दो तो मैंने कलेक्ट कर लिए, बस अभी एक आखिरी वाला कलेक्ट करूंगा ना, उसके बाद में मेरी गेम खत्म। हिचके उचका। ओए बाप के बच्चे, तुम्हारी गेम अभी खत्म ही होने वाली है। ओए खत्म भी हो गई। और ये गेम ने उसको पिचकारी से और नीचे गिरा दिया। अरे बिल्ली ये देखो ना, मैंने उसको कितना खतरनाक तरीके से हरा दिया और उसकी कर दी ढक्के ढक्के। क्या क्या भैया, वकी में मानना पड़ेगा यार, बाप तो एक कर निकला यार। तो चलो दोस्तों अभी होगी डांट की बारी। ये क्या भैया, ये तो यहाँ पे बाल को घुमा रहा है यार। मगर इससे क्या होगा भैया, अरे ये क्या, ये तो लगता है मीट खाने वाला और मीट को पका रहा है भैया, लगता है उसकी हमें मीट खराब करनी पड़ेगी। अरे रुक जाना, अरे ये मीट में कौन सी मिर्ची डाला है, कौन सी धनिया पाउडर डाला भैया, मुझे जल्दी से देखना पड़ेगा। क्या ही भाऊ, उसको मारो गोली, मुझे जल्दी से फायर वाली इग्निट को लेना पड़ेगा यार। ओ मिन्ना इससे क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भैया देखती जाओ यार, होगी तो डॉन का कमाल, इसको भैया लेके जाऊंगा उस गैस मशीन के पास में। ओ अरे रुको रुको भैया, वहाँ पे मत जाओ, डॉक्टर अंकल ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारी तो ऐसी कोई तैसी हो जाएंगी, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, जल्दी से भागो ना। क्यों क्या, ओ ये देखो मिन्ना ये क्या मिल गया, और तुझे तो यहाँ से ब्रांच मिल गया ना मिन्ना। हाँ भैया ब्रांच लेके जाऊंगा सीधा अंदर, और भैया बोल्ट को टाइट करूंगा और इसको बंद कर दूंगा यार। ओ ये क्या मिन्ना, तूने तो ये आग जलाने वाली मशीन को बंद कर दिया। ओ अरे सामने देखो बोलवा केकड़े अंकल इधर ही आ रहे, जल्दी से अपना डिब्बा लेके भागो, मिन्ना तेरे को डिब्बा लेने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे आज के। भाव टेंशन मत लो यार, वो देखो सामने केकड़े अंकल तो यहाँ से जा रहे भैया उस केस मशीन को चेक करने के लिए, तब तक भैया हम अपना सारा काम इधर खत्म कर देंगे यार। अरे ये तो तुमने कमाल ही कर दिया भैया, मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम ये वाली पाउडर को यहाँ से एक्सचेंज कर दोगे ना। क्यों क्या ही बाप के बच्चे, ये पाउडर नहीं है और ये फायर वाली इग्निट है और इसको डालने से आग जलेगी। और ये देखो मिन्ना धमाका हो गया और इसकी तो मुंह काली हो गई मिन्ना। अरे काफी ज्यादा मजा आ गया भैया, केकड़े अंकल का तो तुमने मुंह काला कर दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अब ये तो नहाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगा रहा है। क्या तो फिर चलो दोस्तों अभी फौजी की बारी। और ये वाली मुझे वाल को जल्दी से घुमाना पड़ेगा और ताकि वो स्विमिंग पूल वाला पानी है ना उसकी मात्रा बढ़ जाएगी मिन्ना, और उसके बाद में ये नल्ला कहेगा डूब जाएगा पानी के अंदर। हाँ भाई ये तो काफी कमाल की आइडिया है यार, जल्दी से भाई ये क्या है यार। अरे ये क्या मतलब भैया तुझे, अरे ये तो तुम्हें यहाँ से लाइटर मिल गया ना। अरे लाइटर नहीं, ये तो फायर वर्क है, मगर इसके अंदर हमें लाइटर को भी लगाना पड़ेगा। ओए पागल बाप के बच्चे, तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जल्दी से मुझे लाइटर को उठाने के लिए जल्दी से रूम के अंदर जाना पड़ेगा। अरे बिल्ली के बच्चे, मगर तुझे यहाँ लाइटर कैसे मिलेगा, यहाँ तो कोई भी लाइटर नहीं है, तुम वापस चले जाओ, तेरे बस की बात नहीं। क्यों क्या ही भाओ, चुप करो यार, ये राना लाइटर जल्दी से उठाओ और फायर वर्क को भैया यहाँ पे ओपन कर दो यार। ओए मिन्ना टेंशन मत लो, अभी उसको यहाँ पे रख के और इसको जलाऊंगा, उसके बाद में फटेगा ना तो ये डार्क अंकल यहाँ पे आएंगे और इसके बाद में तो आगे का प्लान तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा मिन्ना। ही भैया जल्दी से जलाओ ना यार, वरना अंकल आ जाएंगे यार। अरे ये क्यों हुआ, ये तो फटाके चलने लगे और इसको देख के तो ये सीधा अपने घर की साइड में भाग रहा है। जल्दी से हमें भी उसकी वाल को घुमाने के लिए जाना पड़ेगा स्विमिंग पूल के पानी को बढ़ाने के लिए। और ये क्या हुआ, ये तो सामने आ रहा है, अरे भागो ना, उसने तो तुम्हें देख भी लिया। क्या
ओए बाप के बच्चे, इतने टेंशन मत लो, आओ आने दो इसको, वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। आओ चलो दोस्तों, जल्दी से जाएंगे हमारी वाल को घुमाने के लिए। आओ वो देखो बिना सामने रही वाल, आओ ये पकड़ा। अरे तुमने तो उसको पकड़ भी लिया, और उसको तो पता ही नहीं हुआ, वो तो सीधे स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगाने के लिए चला गया। हम जल्दी से वाल को घुमा दो ना इसके। ओ चक्की अमला पगला दीवाना ने ये वाल को यहाँ से घुमा दिया, तोड़ भी दिया, फोड़ भी दिया। और बेटा देखो ना, स्विमिंग पूल का पानी बढ़ने लगा। हे भैया, अंकल तो डूबने लगे यार। आओ, अरे अंकल की तो हो गई ढक्कटकी इसके। ओ देखा मैंने तुमने, और डॉक्टर अंकल की कैसे बन जाई। और तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप सभी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आज का शॉर्ट आउट फौजी की तरफ से आप सभी को तोड़ने फोड़ने वाले ढाई किलो का शॉर्ट आउट। तो चलो दोस्तों, मेरे छोटे से नन्हे से और प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए मलवान बाप की तरफ से टॉकी टिकी और इक्के उचके वाला शॉर्ट आउट। तो फिर चलो दोस्तों, डॉन की तरफ से भी आप सभी को बड़ा वाला और वल्का बेस्ट आउट। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी के सी नई और मजेदार वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा अलविदा एंड बाय। ओए बप्पा दोस्तों, अपना ख्याल रखना और फैमिली का भी, और चैनल पे ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। ओए आओ मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से दोस्तों के लिए टाटा अलविदा एंड बाय।